विवादों से घिरी फिल्म पद्मावती में अब रावण की बहन शूर्पनखा की भी एंट्री हो गई है। अब तक इस फिल्म को लेकर इसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का ही विरोध हो रहा था, लेकिन अब फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। करणी सेना ने दीपिका पादुकोण को धमकी दी है कि रामायण में जिस तरह शूर्पनखा की नाक काट दी गई थी, करणी सैनिक ठीक उसी तरह उनकी भी नाक काट सकते हैं। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था और उसको ये सजा दी थी, और ये सजा अगर तू लेना चाहती है दीपिका पादुकोण, तो शहर से राजपूत क्षत्रिय ये मजबूरन करेंगे। फिल्म पद्मावती के विरोध में शूर्पनखा की एंट्री। पद्मावती के विरोध में रामायण की शूर्पनखा की एंट्री कराई है इस शख्स ने। नाम है महिपाल मकराना। महिपाल राजपूतों की संस्था करणी सेना के राजस्थान शाखा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जो रावण की बहन थी, बार बार मना करने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद वो नहीं मानी, उसका नाक काट के उसको ये सजा दी थी कि तेरी यही सजा है, तू महिला है, हम हाथ नहीं उठा सकते, पर तेरी यही सजा है, और ये सजा अगर तू लेना चाहती है दीपिका पादुकोण, तो शहर से राजपूत क्षत्रिय ये मजबूरन करेंगे। हाथ उठाने का काम हमारा नहीं है महिलाओं का, पर ये अगर तू चाहती है तो ये जो हाथ काटने वाले हाथ हैं वो अभी भी राजपूत के कंधे पे लटक रहे हैं, हमें चैलेंज मत करो। अब तक करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी ने ही भंसाली की फिल्म पद्मावती के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। धमकी भरे बयान उन्हीं के आ रहे थे, लेकिन अब उनके सहयोगी महिपाल मकराना ने भी फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को खुली धमकी दे दी है। जो रावण की बहन थी, बार बार मना करने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद वो नहीं मानी, उसका नाक काट के उसको ये सजा दी थी कि तेरी यही सजा है, तू महिला है, हम हाथ नहीं उठा सकते, पर तेरी यही सजा है, और ये सजा अगर तू लेना चाहती है दीपिका पादुकोण, तो शहर से राजपूत क्षत्रिय ये मजबूरन करेंगे। हाथ उठाने का काम हमारा नहीं है महिलाओं का, पर ये अगर तू चाहती है तो ये जो हाथ काटने वाले हाथ हैं वो अभी भी राजपूत के कंधे पे लटक रहे हैं, हमें चैलेंज मत करो। कोई भी चीज इस फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगा सकती। हम जिसके प्रति जवाबदेह हैं वो सिर्फ सेंसर बोर्ड है। मैं जानती हूँ और मेरा विश्वास है कि इस फिल्म की रिलीज को कोई नहीं रोक सकता। फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट बताता है कि ये सिर्फ पद्मावती की बात नहीं है, हम इसे कहीं बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपिका के इसी बयान पर करणी सेना भड़क गई है। उसका कहना है कि जनवरी में जब फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ करार हो गया था, तो फिर इस तरह की बात क्यों सामने आ रही है। हमारे ही घर में आकर हमारी बहन बेटी पर उंगली उठाएगा तो क्या थप्पड़ मारने लायक भी हम नहीं है? हम थप्पड़ नहीं मारेंगे उसके, तो फिर क्या उसको वहां पर फाइव स्टार में ट्रीट देने के लिए जाएंगे? ये इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, और अगर नहीं बच सकता है तो हरी इच्छा है, जो जैसा होगा वैसा भुगतेगा। फिल्म पद्मावती को लेकर देश भर में जारी विरोध के बीच यूपी सरकार ने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई गई है। केंद्र को लिखी इस चिट्ठी में राज्य सरकार ने कहा है कि निकाय चुनाव और त्योहारों के बीच अगर 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज होती है तो इससे राज्य में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ फिल्म को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है, ऐसा विरोध जो किसी फिल्म को लेकर पहले शायद ही देखी गई हो। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज की तारीख करीब आ रही है, फिल्म पर जारी विरोध कई जगहों पर हिंसक भी होते जा रहे हैं। तेज होते विरोध और हिंसा को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट होती जा रही हैं। राजस्थान के बाद अब भंसाली की इस फिल्म ने यूपी की योगी सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनकी सरकार इस संबंध में गंभीर है। क्या पद्मावती फिल्म को आप लोग लखनऊ में रिलीज होने देंगे या उसको प्रोटेक्शन देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, हमारी गृह विभाग ने इस संबंध में कुछ रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आ गई है। जो तथ्य प्रदेश के अंदर के सामने आए हैं उसके बारे में हम लिख रहे हैं। इस तरह से राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में फिल्म को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे में यूपी की योगी सरकार को भी 1 दिसंबर को फिल्म की रिलीज पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका सताने लगी है। इसी को देखते हुए यूपी के गृह विभाग ने केंद्रीय सूचना मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। यूपी में 1 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, इसी दिन 12 फवाद का जुलूस भी निकलेगा। अगर इस दौरान फिल्म पद्मावती रिलीज हुई तो सामाजिक संगठन इसका विरोध कर सकते हैं, इससे हिंसा व्यापक रूप ले सकती है। इसलिए केंद्रीय सेंसर बोर्ड से आग्रह है कि फिल्म की रिलीज का परमिशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले उठ रहे विवादों को हल किया जाए। केंद्र को चिट्ठी लिखने के साथ ही बुधवार को यूपी डीजीपी सुलखान सिंह ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें यूपी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई।
विरोध प्रदर्शन और धमकी के बीच संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर सियासत भी जारी है। अगर राजपूत संगठन फिल्म को रिलीज होने से रोकने पर आमादा हैं, तो सियासी दल के नेताओं के बयान इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध अब राजस्थान से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए विरोध की ये आग अब कर्नाटक तक पहुंच चुकी है। पद्मावती का विरोध करने विरोधियों की टोली की ये तस्वीरें बेंगलुरु की है, जहाँ करणी सेना ने रैली निकालकर फिल्म का विरोध किया। इससे पहले कोटा में फिल्म का ट्रेलर दिखाने पर सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की गई थी। लखनऊ में भी फिल्म का पोस्टर फाड़कर हंगामा किया गया, तो गुरुग्राम में बीजेपी के एक नेता ने सिनेमा हॉल में पोस्टर फाड़ दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई। सवाल यह है कि आखिर हर रोज ये विरोध बढ़ क्यों रहा है, और इसका जवाब है इस तरह के भड़काऊ बयान। ये कोटा क्या है? ये तो एक झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है जो आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूंगा, सरकारें कहीं की भी नहीं चाहेंगी कि इस और बड़ी झांकी को देखने का मौका मिले। राजपूत संगठन अगर फिल्म और फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स को धमकी दे रहे हैं, तो नेता भी पीछे नहीं है। नेता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और धमकी देकर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इस पर भी बैन लगना चाहिए, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। लोग बहुत आक्रोशित हैं, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, फिर सरकारों को भी संभालना मुश्किल होगा, केंद्र सरकार को भी संभालना मुश्किल होगा, और भंसाली तो बेचारे संभालेंगे क्या? तो हमारी यूनियन ने अगर ठान लिया तो कैसे करेंगे भविष्य में शूटिंग? क्या खुद हथौड़ा उठाएंगे? क्या खुद लाइट बंद करके काम करेंगे? या खुद स्पॉट बाय करके चाय का प्याला लेके घूमेंगे? क्या करेंगे? हालांकि धमकियों का जवाब राज्य सरकार और पुलिस बार बार दे रही है,